अब देखिए यूपी तक लाइव 24/7। पैसे मांगता हूँ तो बदमाशों की धमकी देता है, तो वो बताते बहुत बड़ा डॉन है, वो कहता मेरा रिश्तेदार है, तुम्हारा घर समेत उठवा दूंगा, पैसे मांगे तो वही उल्टी सीधी बात है। मेरे संग 4.5 लाख रुपए की है। अतीक अहमद, एक वक्त था जब इस नाम के जरिए गुंडों के काम बन जाते थे, लेकिन ऐसा ही एक मामला आगरा से देखने को मिला, जहां ठग ने खुद को अतीक अहमद का रिश्तेदार बताकर लाखों रुपए ठग लिए। आगरा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शाहगंज थाना क्षेत्र के रुई मंडी के रहने वाले गौरव का आरोप है कि एक तांत्रिक ने उससे लगभग 4.5 लाख रुपए ठग लिए। बताया जा रहा है कि कारोबारी घाटे से परेशान था, जिसके बाद उसने तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक तारिक जाफरी ने तंत्र मंत्र के जरिए कारोबारी की मदद करने का दावा किया और उससे लाखों रुपए ऐंट लिए, और बाद में सवाल करने पर अतीक अहमद का रिश्तेदार बताकर जान से मारने की धमकी दी। मुलाकात मेरी दुकान पर ही हुई थी, आया था, कह रहा था कि मैं ये कर लेता हूँ वो हूँ, तो मैंने कि क्या है बाबा क्या है, कह रहा तुम्हारी दुकान किसी ने बांध दी है मुर्दे की राख से या जो भी है सिस्टम, तो ऐसे धीरे धीरे करके मुझसे पैसे लिए, कुछ हुआ नहीं। अब पैसे मांगता हूँ तो बदमाशों की धमकी देता है। अतीक अहमद, पहले तो हमें मालूम नहीं था अतीक अहमद है कौन, मैं सोचता था ऐसे ताजगंज का कोई बदमाश होगा, लेकिन लोगों से पूछा तो वो बताते बहुत बड़ा डॉन है, वो कहता मेरा रिश्तेदार है, तुम्हारा घर समेत उठवा दूंगा, पैसे मांगे तो वही उल्टी सीधी बात है। मेरे संग 4.5 लाख रुपए की है, और जो मेरे लोग हैं ये लोग हैं, ये सब लोगों के संग, किसी के संग 2 की, किसी के 1 की, किसी के संग 2.5 की, ऐसे बहुत तगड़ा है। मुकदमा दर्ज हो गया है। ये सर कुल मिला के हम 5 लोग पीड़ित हैं, कम से कम 9 लाख रुपए की ठगी है टोटल मेरे 90,000 रुपए, 90,000 रुपए। मुझे तो इस प्रोसेसर में ले गया कि मैं आपके पापा को सही कर दूंगा, दारू वगैरह पीते हैं वो छुड़वा दूंगा, घर में आपके जो कलेश है वो बंद हो जाएगा, आपके घर में कोई चक्कर है वो नहीं होगा, धीरे धीरे करके इस मामले में मैंने उसे पैसे दिए हैं। जब मैंने अपना पैसा वापस मांगा तो उसके फिर धमकी वाले फोन आने लगे, अरे कोई पैसे नहीं है, जी हो जाएगा वो हो जाएगा। तो गौरव के मुताबिक तांत्रिक ने कारोबार समस्या को तंत्र मंत्र से ठीक करने का दावा किया। लगभग 9 महीने पहले आरोपी तारिक जाफरी उसकी दुकान पर कुछ सामान लेने आया था, उस दौरान उन दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई और गौरव ने कह दिया कि काम धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा। बस तभी तांत्रिक ने अपनी बातों में फंसा लिया। तांत्रिक ने मौके का फायदा उठाया और तंत्र मंत्र शुरू कर दिया, कभी यमुना किनारे तो कभी एक धर्म स्थल के किनारे बुलाकर तंत्र मंत्र करने लगा और बदले में मोटी रकम मिलती रही। वहीं गौरव के बच्चे जब बीमार हुए तो तांत्रिक ने इलाज के नाम पर पानी की 2 बोतल हर महीने दी, जिसके बदले 22,000 रुपए लेता था। अब बच्चों को पानी पिलाने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं मिला तो गौरव को शक हुआ और उसने सवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद तांत्रिक ने खुली धमकी दे डाली। आरोप ये कि तांत्रिक ने धमकी दी कि मैं माफिया डॉन अतीक अहमद का रिश्तेदार हूँ, उठवा लूंगा। अब इस धमकी के बाद पीड़ित परिवार दहशत में आ गया और केस दर्ज करवा दिया। तांत्रिक के द्वारा ठगी का मामला थाना शाहगंज में संज्ञान में आया है, और इस मामले का संज्ञान लेते हुए थाना शाहगंज पे अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, और जो भी विधिक कार्रवाई है आवश्यक वो थाने द्वारा की जा रही है। सर, किस तरह से ठगी की थी, किस तरह की सही जाल में फंसा और किस तरह? देखिए, ये सारी जो जानकारी है, एक बार विवेचनात्मक कार्रवाई होगी तो सामने आएगी, उसके बाद ही हम कुछ आपको बता सकते हैं। ये सारी जो फैक्ट्स हैं ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे और उसी में हम आपको जानकारी दे सकते हैं। सर, अतीक अहमद का कुछ करीब बताया गया है तो इसमें क्या निकल गया? देखिए, इस तरह का आरोप तो लगा है लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं फरार आरोपी तांत्रिक की तलाश लगातार जारी है। लेकिन सोचिए जरा, कैसे अंधविश्वास के चक्कर में लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं और जेल में बंद अतीक अहमद के नाम पर धमकियां देकर लाखों की ठगी की जा रही है। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।